नमस्कार, देश ऑनलाइन में आपका स्वागत है। अमेरिकी वैज्ञानिकों का दावा है कि उन्होंने उम्र बढ़ने के साथ बालों के पकने या सफेद होने की वजह का पता लगा लिया है। इन वैज्ञानिकों का दावा किया है कि बालों को काले रखने वाली कोशिकाएं जब परिपक्व होने की क्षमता खो देती हैं तो बाल सफेद होने लगते हैं। अगर ये कोशिकाएं परिपक्व हो तो मेलेनोसाइट्स में तब्दील हो जाती हैं, जिससे बालों का प्राकृतिक रंग बना रहता है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के दल ने चूहों पर यह अध्ययन किया है। चूहों में रोए की वैसी ही कोशिकाएं होती हैं। शोध करने वाले वैज्ञानिकों का दावा है कि इससे सफेद बालों को फिर से काला करने की प्रक्रिया शुरू करने में मदद मिलेगी। ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट BAD के मुताबिक मेलेनोसाइट्स पर अध्ययन से कुछ खास तरह के कैंसरों और अन्य स्वास्थ्य स्थितियों के बारे में समझ विकसित करने और उसका निदान तलाशने में मदद मिलेगी। हमारी उम्र बढ़ती है और हमारे बाल झड़ते रहते हैं। ये हमारे जीवन की सामान्य प्रक्रिया है जो समूचे जीवन के दौरान चलती रहती है। त्वचा में मौजूद रोम छिद्रों से बाल निकलते हैं, वहीं पर बालों को काले रखने वाली कोशिकाएं मौजूद होती हैं। ये कोशिकाएं नियमित तौर पर बनती रहती हैं और नष्ट भी होती रहती हैं। इन कोशिकाओं का निर्माण स्टेम सेल से होता है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का मानना है कि जब स्टेम सेल से इन कोशिकाओं का निर्माण किसी भी वजह से अटक जाता है तो लोगों के बाल सफेद होने लगते हैं। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की लैंगवन हेल्थ टीम ने इन कोशिकाओं के बनने और बढ़ने की प्रक्रिया पर स्पेशल स्कैनिंग और लैब तकनीक की मदद से अध्ययन किया है। जब बाल की उम्र बढ़ती है और वे झड़ने लगते हैं तो लगातार बाल उगते रहते हैं, लेकिन बाद में मेलेनोसाइट्स कोशिकाएं सुस्त होने लगती हैं। स्टेम कोशिकाएं अपनी जगह पर स्थिर हो जाती हैं और मेलेनोसाइट्स के तौर पर विकसित नहीं हो पाती हैं। इससे रंग बनाने की प्रक्रिया बाधित होती है और बाल सफेद होने लगते हैं। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी लैंगवन हेल्थ की PhD स्कॉलर और शोध दल की प्रमुख डॉक्टर सी सुन ने नेचर जर्नल को बताया, मेलेनोसाइट स्टेम सेल बालों को काले रखने के लिए किस तरह से काम करते हैं ये समझने में हमारा अध्ययन मदद करता है। इस अध्ययन से उम्मीद जगी है कि मेलेनोसाइट स्टेम सेल को फिक्स किया जा सकता है, जिससे सफेद बाल फिर से काले हो सकते हैं। ये पहला मौका नहीं है जब वैज्ञानिकों ने सफेद बालों के फिर से काले किए जाने की उम्मीद जताई है। हालांकि समय से पहले बालों के पकने की एक वजह कुपोषण भी माना जाता रहा है। वहीं कुछ दूसरे शोधकर्ताओं का मानना है कि तनाव के चलते भी बाल सफेद होने लगते हैं। इन विशेषज्ञों के मुताबिक तनाव को दूर करके भी बालों का पकना कुछ समय तक रोका जा सकता है। वहीं कुछ शोधकर्ताओं के मुताबिक बालों के पकने की आनुवांशिक वजहें होती हैं। वहीं कुछ लोग बालों को रंगने भी लगते हैं। वहीं कुछ लोग समय से पहले ही बालों को सफेद या ग्रे कलर में रंगने लगते हैं। सिल्वर हेयर यानी चांदी की तरह सफेद बालों का चलन युवतियों में काफी मशहूर है। इसके अलावा उज्जवल और मोती समान रंग आयस्टर ग्रे भी इंस्टाग्राम पर खूब लोकप्रिय होता दिखा है। हेयर स्टाइलिस्ट ल्यूक हर्शसन ने हाल ही में ब्रिटिश वोग को बताया, एक समय ऐसा था जब लोग सफेद बाल नहीं रखना चाहते थे, लेकिन अब हम सफेद बालों को बूढ़े होने से जोड़कर नहीं देखते हैं। बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं। लॉकडाउन के बाद लोगों को आजादी का एहसास हुआ है। कई लोगों के बाल इसलिए भी सफेद हो गए क्योंकि बाल रंगने वाले काम पर नहीं थे, और इसके चलते हुए बदलाव को कई लोग पसंद करने लगे। आमतौर पर लोग एकाध बाल के सफेद होने पर उसे निकालने की कोशिश करते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक इससे उन्हीं कोशिकाओं से निकलने वाले दूसरे बालों को सफेद होने से रोकना संभव नहीं है। उनके मुताबिक रोम छिद्रों के क्षतिग्रस्त होने से नए बालों का आना भी बंद हो जाता है। इस स्थिति में बाल कम होने लगते हैं या फिर गंजापन आ जाता है। ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट की डॉक्टर लीला अस्फो ने बताया कि बालों को रंगने का कारोबार काफी बड़ा कारोबार है। उन्होंने बताया, बालों के रंग का वैश्विक बाजार 2030 तक $33.7 अरब तक पहुंच जाएगा। जाहिर है कि बालों को रंगने की बाजार में मांग है। उन्होंने बताया, इस शोध का स्पष्ट संकेत है। आम लोगों के लिहाज से यह समझ सकते हैं कि हम सफेद बालों को फिर से काला करने की दिशा में एक कदम करीब पहुंच गए हैं। वहीं चिकित्सीय जगत के लिहाज से दूसरी जटिलताओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए मेलेनोमा या गंभीर त्वचा कैंसर रोग की प्रकृति को समझने में भी हमें मदद मिलेगी। डॉक्टर लीला के मुताबिक यह एलोपेसिया एरिटा नामक चिकित्सीय समस्या को समझने में भी मदद कर सकता है। इस स्थिति में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली ही बालों पर हमला करती है और इसके कारण बाल झड़ जाते हैं। कभी कभी इन रोगियों में सफेद बाल वापस आते हैं।
डॉक्टर लीला के मुताबिक ये शोध विटिलिगो यानी त्वचा के किसी हिस्से में सफेद दाग के आने के बारे में अधिक जानकारी दे सकता है। त्वचा के रंग को प्राकृतिक रखने के लिए प्रभावित क्षेत्र में वैज्ञानिक रोम छिद्र प्रत्यारोपित करने की कोशिश कर सकते हैं, हालांकि इसको लेकर अत्यधिक अध्ययन की जरूरत है। ब्रिटिश हेयर एंड नेल सोसाइटी के डॉक्टर यूसुर अल नुवामी ने कहा कि सिर के बालों के अच्छे विकास के लिए उम्र बढ़ने के साथ सिर की त्वचा का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने बताया, चूहों में हाल के अध्ययन से बालों के रोम के बारे में हमारी समझ बालों को काले रखने वाली कोशिकाओं को लेकर बढ़ी है। बालों के झड़ने और अन्य स्थितियों के लिए स्टेम सेल उपचार की क्षमता के बारे में अधिक जानकारी जुटा रहे हैं। ऐसे में रंग उत्पादक कोशिकाओं को लेकर नया शोध मरीजों के लिए भविष्य के उपचार विकल्पों का कारण बन सकता है।